छठ महापर्व पर बसंत कुंज के पार्षद मनोज महलावत रजोकरी छठ घाट पर पहुंचे और छठ व्रतियों के साथ उन्होंने डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर मनोज महलावत जो है छठ व्रतियों के साथ डूबते हुए सूरज को अर्घ दे रहे हैं। जी हां, मनोज महलावत लगातार अपने वार्ड में क्षेत्र की जनता के साथ हर एक काम में, सुख दुख में, जितने भी काम होते हैं देवी देवताओं के पूजा पाठ के, हर जगह पर नजर आते हैं। और आज देखिए जिस तरीके से आस्था का महापर्व जो छठ पूजा हो रही है, छठ पूजा में हर कोई अपनी भूमिका निभाता है। जी हाँ, जो लोग छठ व्रती होते हैं वो भी, और जो लोग छठ नहीं करते हैं वो भी अर्घ दे सकते हैं, क्योंकि सूरज को अर्घ देने में किसी की पाबंदी नहीं है। और इसी वजह से देखिए किस तरीके से आस्था से, किस तरीके से मनोज महलावत जुड़े हुए हैं वो तस्वीरें बयां कर रही हैं, क्योंकि खुद देखिए कि किस तरीके से जहां पर छठ व्रती महिलाएं जो हैं पानी के अंदर खड़ी हैं, वहां खुद मनोज महलावत भी खड़े होकर अर्घ देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, मनोज महलावत लगातार क्षेत्र की जनता के साथ इसी तरीके से खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर वो हमेशा खड़े रहते हैं। और इसी वजह से जब वो रजोकरी मॉडल छठ घाट पर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत पूर्वांचल की तरफ से किया गया। जी हां, पूर्वांचल के रहने वाले सभी लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। और जिस तरीके से मनोज महलावत ने पिछले 5 सालों में क्षेत्र की जनता के लिए जो काम किया है, उस काम को लगातार जो है आज भी लोग याद करते हैं और कहते हैं कि मनोज महलावत जैसा पार्षद हमेशा उनको मिलना चाहिए। आइए सुनवाते हैं कि मनोज महलावत ने इस छठ घाट पर पहुंचकर क्या कहा। इस छठ समिति की सभी आयोजक और पूरी समिति जो हर बार कुछ ना कुछ भव्य इस आयोजन में करती है, तो आप सभी को पुनः हृदय की गहराइयों से आभार अभिनंदन आप सभी का कि आप इतने बड़े पर्व को, जितना बड़ा पर्व उतने ही शान शौकत के साथ हर वर्ष मनाते हैं और सभी क्षेत्रवासियों की सभी चीजों का ध्यान रखते हुए, सभी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए इस छठ पर्व के में कुछ ना कुछ नया हर वर्ष करते हैं। तो पूरी आपकी समिति को, पूरे जिस जिस भाई ने इसमें सहयोग किया, सभी का बहुत बहुत आभार अभिनंदन। पूरी BSES की जो हमारी पूरी हमारा परिवार है, सभी ने हर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सहयोग करके अपने साथ से, अपने प्यार से, अपने सहयोग से हमेशा इस पर्व में कोई ना कोई चार चांद लगाने का काम किया। छठी मैया आप सबको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे और आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद अपना बनाए रखे, ऐसी मेरी कामना है, मेरे परिवार की कामना है कि छठी मैया का आशीर्वाद सदा हम पे बना रहे। कोरोना काल के दौरान भी हमारा लगातार यहाँ आपके पास आना जाना रहा, आप सबने भरपूर आशीर्वाद प्यार दिया। 2017 में जब हम चुनाव जीत कर आए तो आप सबके प्यार के बगैर ये संभव नहीं था, तो आप सबका ये प्यार, एक ये सहयोग निरंतर बना रहेगा, अभी बना है और बना भी रहेगा। ऐसी मैं छठी मैया से कामना करूंगा कि हम सब एक परिवार के सदस्य की तरह हैं और भगवान हमें ऐसे ही रखे, छठी मैया हम सबको ऐसे ही मिलजुल कर सभी त्यौहार मनाने का मौका देती रहे, हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आते रहे। बड़ा पर्व है, राजनीतिक बातें नहीं होंगी, बस आज शुभकामनाओं के साथ छठी मैया से कामना करेंगे। पुनः एक बार आशीर्वाद आपका दोबारा, जब भी चुनाव होगा तो आशा नहीं, विश्वास है कि फिर से आपका सहयोग आशीर्वाद मिलेगा और फिर से आपके बीच में एक जनसेवक के रूप में काम करेंगे। जब कोरोना काल था, तब संकट का काल था, तो आप सब देखते होंगे कि अच्छे अच्छे नेता घरों में छुप गए थे, आपका ये भाई, आपका ये छोटा भाई, आपका बेटा, आपका जो भी आप मुझसे नाता बनाए वो नाता सिर माथे पर है, वो आपके बीच में था। ये आपकी पूरी समिति बताएगी आपकी, और हर मेरा नौजवान साथी जो भी सोशल मीडिया चलाता होगा, माँ बहन बेटियां जो भी मुझे जानती होगी, कि अपने जान की परवाह किए बगैर अपने परिवार की चिंताओं को दूर करते हुए आप सबके बीच में था। तो आदमी पहचानना है तो संकट में पहचानना सीखना चाहिए। शादी में तो कोई भी आ जाएगा, खुशी में तो कोई भी आ जाएगा, लेकिन जो संकट में साथ है वही अपना साथी है, वही अपना सुख दुख का साथी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और पुनः एक बार आप सभी से छठ मैया के इस महापर्व की शुभकामनाएं दूंगा और मेरी ये समिति, सम्मानित समिति जो भव्य आयोजन हर बार करती है, आप सबको पुनः बधाई, एक से एक बढ़कर आप छठी मैया के लिए अपना योगदान देते, सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। मातृशक्ति बड़ी संख्या में है, अभी सूर्य अस्त का समय होने जा रहा है, सभी आप भक्ति में लीन है, तो पुनः मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
कि सबको शुभकामनाएं कहेंगे। आज के दिन इतना शुभ दिन है, इतना बड़ा हमारा महापर्व है सूर्य उपासना का, छठी मैया का पर्व है। इतने हर्षोल्लास से जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले दिवाली मनाई तो सेम फीलिंग आज वही आ रही है कि छठी मैया के महापर्व में शामिल होने का सौभाग्य मिला। और समिति के सभी सदस्यों ने और BSS के सभी हमारे रेजिडेंस ने, सम्मानित रेजिडेंस ने भरपूर अपना मान सम्मान के साथ आज सभी अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं और इस पर्व में चार चांद लगाने का काम कर रहे हैं।